हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया। तो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में हमने पहला चैप्टर शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी रासायनिक संयोजन के नियमों की। तो बच्चों, इसके बाद आज बात करते हैं बच्चों इस लेक्चर में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या करना है आज, इतना सब कुछ इस लेक्चर में देखना है। तो बच्चों, ज्यादा बात न करते हुए यहां पर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको डेली बेसिस पे जो है आप लेक्चर को देख रहे होंगे और अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, हेडिंग डालिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से पहले बच्चों हम बात करते हैं कि परमाणु, परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बोला था, यानी कि एटम जो है। तो बच्चों, इंडियन फिलोसोफर, भारतीय दार्शनिक जो ऋषि मुनि, परमाणु के बारे में जो है सबसे पहले जो बात की थी बच्चों, परमाणु होता क्या है, क्या बच्चों, परमाणु। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बच्चों महर्षि कणाद, कौन हुए, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने बताया था, जो कि कौन थे, भारतीय दार्शनिक, कौन थे बच्चों, भारतीय दार्शनिक, इंडियन फिलोसोफर। तो बच्चों, महर्षि कणाद ने क्या बोला कि हमारे आसपास कोई भी चीज है, कोई भी पदार्थ है, तो उस पदार्थ को हम जब तोड़ते जाएं छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, उसके बहुत सारे टुकड़े करते जाएं और लास्ट में हमारे पास एक इतना छोटा टुकड़ा बच जाए जिसको हम आगे ना तोड़ पाए। तो जो वो छोटा टुकड़ा जिसे हम आगे नहीं तोड़ सकते, उसको क्या बोला गया कि वो क्या है, कण नाम दिया गया, और जिसको क्या बोलते हैं, परमाणु। तो महर्षि कणाद ने परमाणु को क्या बोला बच्चों, कण, क्या बोला, कण बोला। ये लगभग 400 बीसी की बात है, कब की बच्चों, 400 बीसी की बात। तो महर्षि कणाद ने क्या बोला कि कोई भी जो हमारे आसपास जो चारों ओर मौजूद पदार्थ या द्रव्य या वस्तु या चीज है, उसके जब हम छोटे 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 इतने टुकड़े कर दें कि लास्ट में हमारे पास एक इतना छोटा टुकड़ा बच जाए जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, उसे क्या नाम दिया गया, कण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, कण। इसके बाद बच्चों ग्रीक दार्शनिक आए, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स, कौन थे बच्चों, डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स ने भी यही बोला। महर्षि कणाद ने क्या, कण बोला परमाणु को, और डेमोक्रेट्स का भी जो है यही चीज है। डेमोक्रेट्स जो है ग्रीक दार्शनिक, कौन थे बच्चों, ग्रीक दार्शनिक। तो बच्चों, डेमोक्रेट्स ने भी यही बोला कि हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ है, उन पदार्थों के अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाए और लास्ट में हमारे पास इतना छोटा टुकड़ा बच जाए जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, तो उसे जो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स हुए, उस छोटे से सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को जो डेमोक्रेट्स ने बोला था, वो बोला था एटोमियो। क्या बोला था बच्चों, एटोमियो। क्या बोला बच्चों, एटोमियो। क्या बोला था, एटोमियो। तो एटोमियो, ए का मतलब होता है बच्चों नॉट, और टॉम का मतलब होता है बच्चों कट, टू कट,
या फिर डिविजिबल, डिविजिबल विभाजित करना या काटना, तो नहीं काटा जा सकता इससे पदार्थ का वह छोटा कण जिसे हम काट नहीं सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या बोला गया, एटोमियो यानी कि एटम बोला गया। तो ये जब बात की तो 390 बीसी ये, तो इस तरीके से मतलब यहां पर क्या हुआ, एक्चुअल में महर्षि कणाद और ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेट्स ने एटम के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन उस टाइम जो है इतना डेवलपमेंट नहीं था, कहने को उस टाइम इन्होंने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं था इनके पास, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं होने के कारण जो है यहां पर क्या है, इनको एटम के बारे में जो पता करने का श्रेय नहीं जाता है, इसलिए जो है डॉल्टन ने क्या किया, डॉल्टन ने इन सब थ्योरी को रिसर्च किया और वहां पर जो इन्हीं के बेसिस पे अपना एक परमाणु सिद्धांत दे दिया, मतलब कॉपी पेस्ट समझ। डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है, एक प्रकार का कॉपी पेस्ट है। तो कहने का मतलब इनके पास क्या कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, इनके मतलब कोई रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है, तो जिसके कारण क्या है यहां पर जो है इनको एटम के बारे में पता करने का श्रेय नहीं जाता है। किसको बोला जाता है कि डॉल्टन ने जो है परमाणु का सिद्धांत दिया था, एक्चुअल में परमाणु के बारे में किसने बता दिया था, महर्षि कणाद ने, जिन्होंने क्या बोला कि कण है, डेमोक्रेट्स ग्रीक दार्शनिक है जिन्होंने क्या बोला कि एटम क्या है, एटोमियो। तो कह रहे हैं ये ग्रीक वर्ड एटोमियो, नॉट टू कट या टू डिविजिबल, जिसे तोड़ा या काटा या विभाजित ना किया जा सके। सपोज दैट बच्चों ये मेरे पास डस्टर है, ये क्या है डस्टर, इस डस्टर को मैं छोटे 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 टुकड़े करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, लास्ट में मेरे पास एक इतना बारीक छोटा सा कण बच जाएगा जिसको मैं आगे नहीं काट सकता। जैसे बच्चों देख सकते हो मैं चौक से लिख रहा हूं, तो चौक ये है, इन चौक के मैं छोटे 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 इतने टुकड़े करते जाऊं जिससे कि मेरे पास ऐसी डस्ट बचा, ये तो मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है, मैं इसके भी और छोटे छोटे टुकड़े कर सकता हूं। तो कहने वाला इन छोटे छोटे सूक्ष्मतम जिसको मैं आगे क्या नहीं कर सकता हूं, तोड़ नहीं सकता, उस छोटे छोटे सूक्ष्मतम कण को क्या बोला जाता है बच्चों, परमाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परमाणु, जिसको हम नंगी आंखों से, मतलब आंखों से भी नहीं देख सकते। ये तो जो डस्ट है यहां पर मेरी आंखों से दिखाई दे रहा है, आपकी आंखों से भी दिखाई दे रहा होगा। तो कहने वाला उसे क्या बोला गया, परमाणु बोला गया, कि चौक के जो है मतलब पदार्थ को बनाने वाला सूक्ष्मतम कण है कौन, परमाणु, छोटे छोटे कणों से मिलकर के किसका निर्माण हुआ है, पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इसके बाद बच्चों डॉल्टन ने क्या किया, महर्षि कणाद और डेमोक्रेट्स की थ्योरी को ही कॉपी पेस्ट किया है और उसी के आधार पर जो है डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद बच्चों डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत जब डॉल्टन ने बात की तो ये 1800 में की, डॉल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था बच्चों 1808 में दिया, 1808 में दिया। तो बच्चों 1808 में दिया तो डॉल्टन ने क्या किया कि जो अलग अलग चीजें बताई है परमाणु के बारे में, तो जो पहला पॉइंट था बच्चों की जो पदार्थ होता है वो बहुत सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें क्या बोला जाता है, परमाणु। मतलब डॉल्टन ने किसके बारे में बताया, परमाणु के बारे में, हालांकि पहले किसने बता दिया था, महर्षि कणाद और डेमोक्रेट्स ने, लेकिन उनके पास कोई उनका कोई मतलब रिटर्न लिखा हुआ लिखित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास, जिसके कारण जो है किसको श्रेय जाता है, डॉल्टन को। तो डॉल्टन ने पहला पॉइंट क्या बोला बच्चों, द्रव्य यानी कि पदार्थ, द्रव्य पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे
परमाणु तत्व, तो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु। इसके बाद बच्चों डॉल्टन ने जो दूसरी बात बताई वो एक प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की फोटोकॉपी है, कॉपी पेस्ट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार जो हमारा परमाणु है, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात भी सही है। ये एक प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कहने का मतलब द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, क्योंकि जब परमाणु को ही ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और हमें पता है जो द्रव्य का निर्माण, जो पदार्थ का निर्माण है, जैसे मैं बात करूं बच्चों चौक की, किसकी बच्चों? ये चौक है मेरे हाथ में, इस चौक की बात करूं तो इस चौक का निर्माण किससे हुआ? परमाणुओं से मिलकर के हुआ। बहुत से छोटे छोटे परमाणु जब आपस में क्या हुए, जुड़े, तो किस चीज को बनाया उन्होंने? इस चौक को। चौक क्या है? पदार्थ है, द्रव्य। तो कहने का मतलब जब परमाणु को ही ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब जो हमारा द्रव्य है उसको भी ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये क्या आगे एक प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहां पर आ गया। अगला तीसरा पॉइंट जो बच्चों डॉल्टन ने बताया था परमाणु के बारे में, वो ये था कि समान तत्व के, मतलब समान मतलब एक ही तत्व के, समान तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के जो गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे बच्चों? समान। तो तीसरा क्या है? समान तत्वों के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। मतलब समान तत्व, समान तत्व का मतलब एक तत्व, एक ही तत्व है, एक ही तत्व के सभी परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं? परमाणु जो है गुणधर्म में समान होते हैं। आकार सेम होगा, आकृति सेम होगी, द्रव्यमान सेम होगा। कहने का मतलब बच्चों यहां पर जैसे मैं उदाहरण के ले लूं, मैंने सिलेंडर लिया और सिलेंडर में क्या भरी है? नाइट्रोजन गैस। तो अगर एक परमाणु उसके अंदर नाइट्रोजन है तो सारे परमाणु किस होंगे? नाइट्रोजन के होंगे। N2 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 N N, नाइट्रोजन 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 पूरे सिलेंडर में। तो सभी नाइट्रोजन के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। है क्या वो एक ही तत्व के परमाणु, लेकिन उन सब के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए आप समझो क्लास 11th है। क्या है? क्लास 11th। तो क्लास 11th में बच्चों एक बच्चा हो चाहे सारे बच्चे हो, क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं, क्या बोला? एक ही क्लास। कौन सी क्लास? क्लास 11th। क्लास 11th के सारे बच्चों के गुणधर्म समान होंगे, वो सेम सिलेबस पढ़ रहे होंगे, उनका रिजल्ट सेम आएगा, उनके पेपर एक ही टाइम होंगे, फर्स्ट मंथली उसी टाइम होना है, सेकंड मंथली एक ही दिन होना है, केमिस्ट्री का पेपर उसी दिन होगा, केमिस्ट्री का जो पीरियड चलता है वो सेम, ऐसे नहीं कि कभी किसी टाइम पे चल गया कभी किसी टाइम पे। तो कहने का मतलब क्या है कि समान तत्व, यानी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणधर्म में समान होते हैं। अगला बच्चों यहां पर जो अगला पॉइंट था, चौथा पॉइंट, अलग अलग तत्वों के, क्या बोला बच्चों?
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म के गुणधर्म अलग अलग, अलग अलग। समझो बच्चों, जैसे हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर में मैंने ऑक्सीजन भी भर रखी है, ऑक्सीजन अलग तत्व, और नाइट्रोजन भी भर रखी है, नाइट्रोजन अलग तत्व। तो जो नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन तत्व के जो परमाणु होंगे वहां पर, उनके गुणधर्म अलग होंगे, और जो ऑक्सीजन तत्व के परमाणु होंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे? अलग होंगे। तो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनके गुणधर्म क्या होंगे? अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लास 11 और क्लास 12, क्लास 12 के बच्चों के गुणधर्म अलग, क्लास 11 के बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज अलग। क्लास 11 वालों का पेपर हो सकता है पहले दिन केमिस्ट्री को, क्लास 12 का पहला पेपर क्या हो? फिजिक्स का। ऐसा थोड़ी होगा कि जैसा सिलेबस, ऐसा है क्या क्लास 11 के बच्चे जो वही सिलेबस पढ़ रहे हो, क्लास 12 के बच्चे वही सिलेबस पढ़ रहे हो? नहीं, क्लास 12 का सिलेबस अलग, क्लास 11 का सिलेबस अलग। तो कहने का मतलब क्या है? अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ये क्या निकल गया? चार ऑसिलेट, लास्ट और अंतिम। अंतिम क्या बच्चों की? जो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम आ गया? स्थिर अनुपात का नियम। कहने का मतलब क्या बोला? अलग अलग तत्वों के परमाणु, मतलब एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? यौगिक का निर्माण। अलग अलग यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु निश्चित, निश्चित और सरल और सरल अनुपात में, अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे बच्चों अलग अलग तत्व मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O, H2O2, यहां पर क्या है बच्चों? 2:1, यहां पर क्या है बच्चों? 1:1। तो कहने का मतलब निश्चित अनुपात और सरल अनुपात में, निश्चित भी और सरल भी, सरल मतलब 1:2 हो गया, 1:1 हो गया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मतलब 1:1, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत है, और ये क्या है? वाटर जल, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। हालांकि डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत आगे चला नहीं, वो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे, परमाणु की संरचना में, क्योंकि परमाणु को आगे तोड़ा गया किसमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड और जल, इस तरीके से डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत है। इसके बाद बच्चों हम थोड़ा परमाणु और अणु में अंतर देखते हैं, परमाणु और अणु के बारे में। तो बच्चों परमाणु, ये तो परमाणु क्या बोला? डॉल्टन ने बोला कि किसी द्रव्य का अति सूक्ष्मतम कण है जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों परमाणु, परमाणु क्या होता है बच्चों? किसी तत्व का
वह छोटे से छोटा कण कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। और जो परमाणु होता है बच्चों, वो स्वतंत्र हो भी सकता और नहीं भी। परमाणु स्वतंत्र हो भी सकता और नहीं भी, वैसे नहीं होता है ज्यादातर। परमाणु स्वतंत्र हो भी सकता और नहीं भी। ये क्या है हमारा परमाणु। इसके बाद बच्चों अणु है। तो परमाणु क्या था बच्चों, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण था, लेकिन जो अणु है वो पदार्थ का छोटा कण है। अणु क्या बच्चों, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब स्वतंत्र रह सकता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और जो बच्चों अणु होता है वो क्या हो सकता है, पदार्थ भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, और यौगिक कुछ भी हो सकता है, पदार्थ तत्व और यौगिक कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चों परमाणु और अणु है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसकी? परमाणु द्रव्यमान की। तो बच्चों हेडिंग डाल दो परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, मतलब एक परमाणु का कितना वेट है, एक परमाणु का जो भी द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो बच्चों समझना यहां पर कि परमाणु द्रव्यमान क्यों जरूरी है। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, एक परमाणु का जो द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान ऐसे नहीं है बच्चों कि यहां पर हम कोई तराजू होगा उससे तोलेंगे। जैसे ना मार्केट जाते हैं तो हमें अगर चीनी चाहिए तो वहां पर क्या होता है बच्चों कि हम सीधे बोलते हैं कि सर एक किलो चीनी दे दी, वो क्या करते हैं तराजू लेते हैं, तराजू पे जो है एक किलो नापेगा और क्या करेगा, पकड़ा देगा। लेकिन इसकी क्या सिक्योरिटी है कि वो एक किलो है। अब आप बोलोगे कि इसकी सिक्योरिटी वो तराजू है। क्या सिक्योरिटी है कि तराजू में जो नापा गया वो एक किलो ही था, एक किलो आया कहां से। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जो है सापेक्ष, मतलब यहां पर क्या क्या गया, रिलेटिव सापेक्ष द्रव्यमान दिया गया। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं द्रव्यमान की तो ब्रिटिश जो लैब है, ब्रिटिश लैब में क्या है, इरिडियम और प्लेटिनम से एक वाट रखा गया, एक वाट है उसका, किसका, इरिडियम और प्लेटिनम का एक वाट है। तो जो एक वाट है वो एक किलो का वाट है, उसी एक किलो के वाट जो किस किस को मिलाकर के बना है, इरिडियम और प्लेटिनम को मिलाकर के,
उसी को मानक बनाया गया कि वहां पर क्या है, मानक क्या बनाया गया कि जो ब्रिटिश लेबोरेटरी में क्या है, वहां पर जो प्रयोगशाला में इरिडियम और प्लेटिनम का क्या है 1 किलो का बाट है, उसी के आधार पर जो है पूरे फुल ब्रह्मांड पूरे विश्व में क्या किया गया, वो 1 किलो मानक रखा गया। तो इसी तरीके से बच्चों यहां पर भी जो है परमाणु का जो द्रव्यमान है, हम परमाणु के द्रव्यमान की बात नहीं करेंगे, हम सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे। मतलब किसी को जो है यहां पर के रेफरेंस लिया गया होगा कि उसके आधार पर हम क्या बताएंगे परमाणु का द्रव्यमान। इसको मैं सिंपल करता हूं आपके लिए, जैसे सपोज दैट मान लो आप जो है सब्जी बेचने गए, आपके पास जो है फ्रूट्स सब्जी जो भी, आपके पास जो है केले भी है, सेब भी है, संतरा भी है, आम भी है, कद्दू भी है, लौकी भी है, आलू भी है, सब कुछ है। आप जो है मार्केट में या फिर किसी कॉलोनी में जो है सब्जी बेचने जाते हैं, तो वहां पर बच्चों आप गलती से क्या होता है कि आप अपना जो वेइंग मशीन तराजू जिसको बोलते हैं वो भूल जाते हैं घर में। तो तराजू जब घर में ही भूल जाते हैं तो आपको कुछ वहां पर रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सब्जी तो बेचनी है ठीक। तो वहां पर सपोज दैट बच्चों आपके पास मान लो कि हमारे पास में एक कद्दू है जिसका वेट कितना है 12 केजी, कितना है 12 केजी। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अर्न करना है सब्जी को बेच के आना है, तो मैं इसके कितने पीस कर दूंगा 12 पीस, कितने पीस कर दूंगा बच्चों 12 पीस। तो जब 12 पीस करूंगा तो प्रत्येक कितना बराबर हिस्से कर रहे, तो कितने का हो जाएगा 1 केजी, कितने का 1 केजी। अब अगर मेरे से कोई अंटी आती और लेती है क्या 3 किलो आलू, तो 3 किलो आलू अगर ले तो मेरे पास जो पुराना जो आपने देखा होगा वो भंगार वालों के पास तराजू रहता है इस टाइप का तराजू, ये इस तरीके, ये इस तरीके का, इस तरीके से मांड रहता है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर मुझसे बोला जाता है कि मुझे क्या चाहिए 3 केजी आलू, तो क्योंकि मैंने देखा अपने किसमें झूले में बाट लाने में भूल गया, बाट जब नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसे 3 टुकड़े निकालूंगा, 3 केजी आलू चाहिए ना, और 3 टुकड़े जैसे ही मैं 3 यहां पर रखूंगा क्या 3 पीसेस किसके जो मैंने कद्दू को काटा है, 3 पीसेस का मतलब 3 केजी हो गए। ये पहले तो ऐसे हो जाएगा तराजू बिल्कुल ऐसे चला जाएगा नीचे को, एक साइड को पूरा वेट पड़ जाएगा। जैसे ही मैं जो है यहां पर आलू भरने जाऊंगा इसमें, तो वो तराजू कैसे आएगा ऐसे बिल्कुल बराबर, जैसे ही बराबर हो जाएगा मतलब 3 केजी ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो मैं अंटी को दे दूंगा 3 केजी। तो मतलब मैंने क्या किया यहां पर रेफरेंस लिया है, किसका रेफरेंस लिया 1 केजी का, 3 पीस यहां पर रखे और 3 केजी आलू भरा। तो इसी प्रकार से बच्चों यहां पर क्या है परमाणु द्रव्यमान के लिए भी क्या किया गया, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान रखा गया। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान में बच्चों जो मानक, मतलब हमने मानक क्या माना यहां पर, हमने इसके 12 पीस किए, अब हमसे कोई कुछ भी ले तो हम क्या कर सकते हैं आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि आप मार्केट जाते हो आप कुछ भी लेते हो, तो वहां पर क्या बोला कि 1 केजी है, लेकिन वो 1 केजी सही है कि नहीं है, इसकी क्या सोलिडिटी है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो वो तो चलो 1 केजी बहुत बड़ा नंबर हो गया, केमिस्ट्री में तो हम पॉइंट की बात करते हैं, केमिस्ट्री में हमने परमाणु को नापना है भाई, परमाणु आगे टूटेगा किसमें टूटेगा, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन जब परमाणु ही हमें जो है आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन इसमें तो हमारी मिस्टेक होने के चांसेस पूरे हैं, और हमने क्या करना है परमाणु द्रव्यमान को क्या करना है नापना है। तो बच्चों इसलिए जो है यहां पर हमें क्या करना होता है रेफरेंस लेना होता है, मानक मानना होता है। जैसे मैंने यहां पर मानक क्या किया, मेरे पास बाट भी नहीं था, जो तराजू था वो भी क्या हो गया घर भूल गया मेरे पे, ये तराजू है ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक वाला था वो क्या हो गया भूल गया, ये वाला था मैंने क्या किया कुछ ना कुछ मानक बनाया हुआ है, और उस मानक की सहायता से क्या किया यहां पे सामान को बेचा है अपने। तो इसी तरीके से बच्चों यहां पर परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए मानक है यहां पे, मतलब हमने क्या किया किसी के रिलेटिव में उसको नापना है, जिसको क्या बोला जाता है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, क्या बोला जाता है बच्चों सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान को किस तौर पर नापा गया, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान।
तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान में बच्चों क्या बात की गई थी, जो हाइड्रोजन को मानक माना गया, किसको, हाइड्रोजन परमाणु को मानक मान करके, हाइड्रोजन परमाणु को मानक मानकर द्रव्यमान दिया गया, मानकर द्रव्यमान एक दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, एक दिया गया, और जो कि क्या था, यूनिटलेस था, मतलब कोई इकाई नहीं थी, इकाई नहीं, कोई मात्रक नहीं था। तो मतलब क्या है, जैसे मुझे अब क्या करना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान नापना है, तो मुझे कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 16 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का नापना है तो कितना लेना पड़ेगा, 14 हाइड्रोजन। तो मतलब इसको मानक मान करके, क्या करके, हाइड्रोजन को मानक मान करके, तो यहां पर क्या लिया गया, क्या दिया गया, एक इकाई दिया गया, द्रव्यमान कितना दिया गया, एक इकाई। तो इसी प्रकार से मतलब बच्चों यहां पर एक्चुअल में क्या है कि परमाणु के द्रव्यमान को किसी अन्य के रिस्पेक्ट में मापना क्या कहलाता है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, किसी अन्य परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में नापना तो क्या कहलाता है, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, मतलब हमें दूसरे का पता है और उसके रिस्पेक्टिव में क्या करना है, अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान का पता करना है। लेकिन बच्चों एक्चुअल में दिक्कत क्या है, यहां पर जो हाइड्रोजन को मानक माना गया था, तो हाइड्रोजन को परमाणु का जो मानक था वो एक था, लेकिन जब इसकी सहायता से अन्यों के मान निकाले जा रहे थे तो फ्रैक्शनल में आ रहे थे, किसमें आ रहे थे, भिन्न में। तो इसलिए जो है दूसरा चीज रीजन क्या था कि हाइड्रोजन की कमी थी, क्या थी, हाइड्रोजन की कमी। और तीसरी चीज क्या है बच्चों, हाइड्रोजन जो है क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन की कमी और अधिक क्रियाशीलता के कारण इस मानक को जो है हटाया गया, के कारण इस हाइड्रोजन मानक को, इस मानक को हटाकर 1961 में कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप होते हैं। समस्थानिक पता है बच्चों के, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग। कार्बन 12 समस्थानिक को मानक रखा क्योंकि कार्बन जो होता है वो 3 समस्थानिक, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो जो कार्बन 12 होता है बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, 99% लगभग, कितना, 99%। तो कार्बन 12 समस्थानिक को आधार मान करके जो कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान दिया गया वो कितना दिया गया, 12 AMU। तो आधार मान के क्या किया गया, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया बच्चों, 12 AMU। AMU क्या है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, क्या है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन को हटाने के रीजन क्या कहते हैं बच्चों, एक तो हाइड्रोजन की कमी थी और दूसरा क्या, अधिक क्रियाशीलता, और तीसरा क्या बोला बच्चों कि वहां पर जब हाइड्रोजन की सहायता से हम अन्यों के परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात कर रहे थे तो वहां पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी, भिन्न में वैल्यू आ रही थी, जबकि हमें द्रव्यमान किसमें चाहिए था, एक पूरा, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को ले रहा हूं तो क्या चाहिए था, पूरा ही एक यूनिट लिया गया, लेकिन जब नापा गया तो क्या आया, फ्रैक्शन में भी वहां पर वैल्यू आई, इसलिए इसको हटा दिया गया और किसको बनाया गया, कार्बन 12 समस्थानिक को आधार बनाया गया, जिसके आधार पर क्या किया गया, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU रखा गया, कितना रखा गया, 12 AMU। अब बच्चों बात करते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, क्या बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट।
तो बच्चों एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का 1/12 भाग। क्या बोला बच्चों, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग, 1 AMU बराबर। क्या बोला बच्चों, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग, ये होता है। बोले तो 1 AMU बच्चों बराबर होएगा कार्बन 1/12 गुणा गया कार्बन 12 समस्थानिक का समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, 1 AMU। क्या बोला जाता है बच्चों, 1 AMU, 1 AMU। इसके बाद बच्चों हम यहां पर बात करते हैं, हमें 1 AMU है यहां पर जो मात्रक सॉरी परमाणु द्रव्यमान दिया गया AMU में, लेकिन जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो किस में बात करेंगे, ग्राम में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AMU को ग्राम में लाना पड़ेगा। तो पहले हम जो है 1 AMU की वैल्यू निकालते हैं, किसकी बच्चों, 1 AMU की। तो देखते हैं बच्चों 1 AMU किस तरीके से निकालता है, 1 AMU, 1 AMU। तो हमें पता है बच्चों 1 AMU क्या है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 1/12 गुणा गया कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो अगर हमें बच्चों यहां पर एक परमाणु का द्रव्यमान पता चल गया तो ये किससे निकलेगा बच्चों, प्रैक्टिकल से। जो एक कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है बच्चों 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। कितना होता है बच्चों, 10⁻²³ ग्राम। ये कहां से आया, प्रैक्टिकल से, प्रयोगों से। तो बच्चों हम यहां पर आप 1 AMU की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी बच्चों, 1 AMU की। तो 1 AMU क्या हो जाएगा बच्चों, 1 AMU बराबर 1/12 गुणा गया 1.99 × 10⁻²³ ग्राम। इसको जब सॉल्व करेंगे 12 का भाग देना तो ये निकल के आता है बच्चों 0.166 × 10⁻²³ ग्राम। अब मैं इस पॉइंट को आगे ना बच्चों किस चीज की बात, इस पॉइंट को मापन में जो क्या हमने पढ़ा था वहां पे कि जो है वैज्ञानिक संकेतन, तो पॉइंट को आगे ले जाना है यहां पे आगे ले जा रहा हूं। पावर किसमें आएगी, माइनस में। कितना माइनस, -1 -23 के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -24। तो ये आता है बच्चों 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, किसकी वैल्यू, 1 AMU की, 1 AMU। तो बच्चों हम इस तरीके से जो है अब यहां पर क्या है, जैसे कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 12 गुणा गया क्या कर सकते हैं 1.66 × 10⁻²⁴ किसमें आ जाएगा, ग्राम। तो अगर मुझे जो है कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान किसमें चाहिए, ग्राम में, कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान, तो बराबर हो जाएगा 12 AMU दे रखा है, AMU बराबर कितना है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, ये परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाता है, क्या मान करके, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान से। तो किसको आधार बनाया गया, किसको आधार बनाया गया, कार्बन 12 समस्थानिक को, कार्बन 12 समस्थानिक को।
तो बच्चों इसके बाद जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु का निकालते हैं, किसका? हाइड्रोजन परमाणु का। इतना नोट डाउन कर लो, तो क्या किया गया, मानक रखा गया, क्योंकि मानक की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद बच्चों जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो बच्चों हाइड्रोजन का एक एटम है जो, एक परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु, इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम, एक परमाणु का द्रव्यमान है बच्चों। तो हमें पता है बच्चों एक एएमयू बराबर, अभी निकाला था क्या, 1.66 इंटू 10^-, क्या आया था, 24 ग्राम। 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, -24 ग्राम। अब बच्चों यहां पर जो है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें किसमें, एएमयू में चाहिए, किसमें चाहिए, एएमयू में। तो मैंने जब आपको जो है मेजरमेंट वाला पढ़ाया था, वहां पर जो है बीमीय विश्लेषण बताया था, किस तरीके से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान यह है, हमें किसमें लाना है, एएमयू में। तो मुझे पता है एक एएमयू बराबर यह है, तो मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं, इसी चीज को एक लिख सकता हूं मैं, एक एएमयू बटे 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, इसी को क्या लिख सकता हूं, 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम अपॉन 1 एएमयू। तो बच्चों जिस भी मान की हमें जरूरत है, हमें एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, तो हमें क्या करना है, एएमयू में मान लाना है, या तो इस वाले को रखो या तो इस वाले को। लेकिन एएमयू में मान तभी आएगा बच्चों जब ये ग्राम कैंसिल होगा, और ये ग्राम किसमें चला जाएगा, एएमयू में। ग्राम कब कैंसिल होगा, जब मैं सामने वाले से उस मान को लाऊंगा जिसमें ग्राम किसमें, बटे में। तो मतलब ये वाला आएगा ये, तो क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10^-24 इंटू 1 एएमयू अपॉन 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम, ग्राम से यहां पे ग्राम, ग्राम कटा, और 1. ये 10^-24 से 10^-24, 1.66 का जब भाग देंगे आप, तो ये आता है बच्चों आपका 1.007 एएमयू। ये होता है क्या, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो बच्चों अब जो है मतलब एएमयू को यू लिखा जाता है, यूनिफाइड मास, क्या लिखा जाता है, अब जो है क्या किया जाता है, एएमयू की जगह पे क्या यूज किया जाता है, यू, यू का मतलब यूनिफाइड मास, कोई यूनिट नहीं है उसके, मतलब यूनिटलेस है, और क्या है, यूनिफाइड, यूनिफाइड द्रव्यमान मास। एएमयू की जगह पे क्या यूज किया जाता है, ये भी लिखा हो सकता है, 1.007 यू, यूनिफाइड मास, 1 एएमयू की जगह। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, कार्बन 12 समस्थानिक को क्या है, हम जो है आधार मान करके क्या निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को आधार मान करके, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की अगर परिभाषा लिखनी है बच्चों, तो क्या बोला, किसी एक परमाणु के द्रव्यमान जैसे कार्बन 12 समस्थानिक को आधार मानकर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना
ज्ञात करना सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो ये तो बात होगी बच्चों क्या है? किसकी? परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु द्रव्यमान की। इसके बाद बच्चों इसमें थोड़ा बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या बोला बच्चों? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान, लेकिन परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग। समस्थानिक आइसोटोप होते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहां पर परमाणु द्रव्यमान में कार्बन वाला समस्थानिक आया था, तो समस्थानिक आइसोटोप। तो बच्चों क्या बोला? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्लोरीन 17 Cl 35, दूसरा ही क्या होता है इसका? 17 Cl 37। तो बच्चों क्लोरीन एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व का कौन सा परमाणु है? क्लोरीन है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 के समान है, लेकिन परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान 35 है, इसका कितना है? 37। तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक है? 2 समस्थानिक। जैसे किसके? हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ऐसे यहां पर क्या समस्थानिक है। इसके बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं औसत परमाणु भार की, एवरेज एटॉमिक मास की। किसकी बच्चों? औसत परमाणु भार की। जैसे आपने बच्चों क्लोरीन का परमाणु भार पढ़ा होगा कितना होता है? 35.5। कितना होता है बच्चों? 35.5 AlU। तो अब यहां पर देखो, एक क्लोरीन 35 है, एक क्लोरीन 37 है, लेकिन 35.5 कहां से आया? तो उसके लिए हमें किस चीज का पता होना चाहिए बच्चों? औसत परमाणु द्रव्यमान का। किसका बच्चों? औसत परमाणु द्रव्यमान। तो आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो हेडिंग बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान। इसमें जो बोर्ड परीक्षाओं में क्या सवाल बनता है न्यूमेरिकल, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान, जैसे मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के कितने समस्थानिक है? क्लोरीन के 2 समस्थानिक। क्या बच्चों? 2 समस्थानिक। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक बच्चों, एक तो है 17 Cl 35 और एक कौन सा है बच्चों? 17 Cl 37। 2 समस्थानिक। जो क्लोरीन 35 है, 35 जिसमें क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। उसकी जो अबंडेंस है, मतलब इस प्रकृति में कितनी मात्रा में उपस्थित है, कुछ मात्रा में ये होगा और कुछ मात्रा में ये होगा, टोटल कितने होंगे दोनों? 100%। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि ये वाला 100 होगा, ये वाला 0 होगा। दोनों अगर है समस्थानिक तो कुछ मात्रा में ये होगा और कुछ मात्रा में क्या होगा? ये वाला। तो जो 17 Cl 35 है, 75% उपलब्धता कितनी है इसकी प्रकृति में? 75%। और जो बच्चों 37 वाला है, वो है 25%। कितना है बच्चों? 25% है। कितना है? 25। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लोरीन का हम देखते हैं कितना आता है? 35.5 आता है,
आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे या सवाल भी लगाते होंगे तो वहां पर क्या लिखा रहता है 35.5। तो बच्चों 35.5 कहां से है? तो कहने का मतलब जब समस्थानिक में है तो इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। तो उसके लिए जो है जैसे यहां पर क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान निकलेगा वो औसत परमाणु द्रव्यमान से निकलेगा। तो औसत परमाणु द्रव्यमान का सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बच्चों की जितने भी समस्थानिक है उनका परमाणु द्रव्यमान गुणा किया, क्या बोला, जितने भी समस्थानिक है, जैसे समस्थानिक एक है ये वाला, तो इसका परमाणु भार गुणा किया जो उपलब्धता प्रतिशत है, प्लस दूसरे वाले का परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान गुणा किया उपलब्धता प्रतिशत और बटे में कुल परसेंटेज जो उपलब्ध है वो इस पृथ्वी में कितना होगा 100। तो बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान सूत्र लिख लो, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है समस्थानिक एक की उपलब्धता प्रतिशत गुणा किया उस समस्थानिक एक का क्या द्रव्यमान गुणा किया परमाणु द्रव्यमान प्लस समस्थानिक दो की प्रतिशत मात्रा या उपलब्धता मात्रा कितना मात्रा उपस्थित है गुणा किया परमाणु द्रव्यमान। अगर तीन भी है तो तीसरे में ऐसे चलेगा और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों कुल उपलब्धता प्रतिशत कुल प्रतिशत मात्रा कुल कितना होगा 100 ही होगा कुल प्रतिशत मात्रा। इस फॉर्मूले की सहायता से क्या निकाला जाएगा औसत परमाणु द्रव्यमान औसत परमाणु द्रव्यमान। तो निकालते हैं बच्चों जैसे क्लोरीन के लिए निकाल रहे हैं तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं समस्थानिक एक की उपलब्धता प्रतिशत कितना है 75 कितना है 75। मैं क्या करता हूं बच्चों आसान कर देता हूं परसेंट को हटा रहा हूं मैं और क्या करता हूं सीधे मतलब ये मान रहा हूं 75 है और 25 ये है तो 75 और 25 का मैं अगर रेशियो निकालता हूं अनुपात तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 ये आएगा और 3 ये आएगा टोटल कितना है वो 4 हो जाएगा। 1 क्या है क्लोरीन 37 और 3 क्या है क्लोरीन 35। कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो कुल समस्थानिक 1 की उपलब्धता कितनी है 3 गुणा किया इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 35 प्लस दूसरा वाला 1 गुणा किया 37 और बटे में 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 35 3 105 प्लस 37 कम 37 और बटे में 4 105 और 37 142 100 क्या हो गया 42 और बटे में 4 4 3 12 और ये हो जाएगा क्या 2 4 5 20 35.5 amu। इस तरीके से ये आंसर निकाला जाता है। तो इस तरीके से क्या है बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। इसके बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं ग्राम परमाणु भार की ग्राम परमाणु भार की उसके बाद आणविक द्रव्यमान और उसके बाद ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो पहले बच्चों किसकी बात करते हैं ग्राम परमाणु भार ग्राम परमाणु भार की हेडिंग लगा बच्चों ग्राम परमाणु भार या द्रव्यमान। तो बच्चों परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को ग्राम में निकालना क्या बोलते हैं परमाणु भार को परमाणु भार को ग्राम में दर्शाना क्योंकि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को किसमें डिनोट कर रहे थे हम एएमयू में
AMU में। जैसे बच्चों मेरे पास क्या है, सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, Na का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU। तो अगर मैं इसका क्या लिखूंगा, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम परमाणु Na का, ग्राम परमाणु द्रव्यमान या भार, तो ये क्या रहेगा 23 ग्राम। बस इसे क्या होता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे जो है कैल्शियम का, किसका बच्चों, कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना होता है 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU होता है। तो अगर बच्चों मैं इसको क्या लिखूंगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, GAM, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, क्या कर दूंगा 40 ग्राम कर दूंगा। AMU को क्या लिख देना है, ग्राम। इसके बाद बच्चों आणविक द्रव्यमान देखते हैं, इसकी बात करते हैं बच्चों आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। तो क्या बोला, अणु में उपस्थित सभी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का क्या योग। तो जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, ग्लूकोज है C6H12O6, तो C6H12O6 का क्या निकालना है मुझे, आणविक द्रव्यमान। तो पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, अलग अलग परमाणु जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इनका निकालना है। तो ये निकलेगा क्या, 6 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 12 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और प्लस किसका, 6 ऑक्सीजन का, 6 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो एक कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणा किया 12 प्लस 12 गुणा किया 1 प्लस और 6 गुणा किया 16 12 छक्का और किसमें आएगा, ये AMU में, किसमें आएगा बच्चों AMU में, किसमें AMU में। तो 12 छक्का 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छक्का 96, ये हो जाएगा टोटल 180 AMU। तो नॉर्मल जैसे हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना आप। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान की, किसकी बच्चों, ग्राम आणविक द्रव्यमान, इसी में लगा देना है। ये तो आणविक द्रव्यमान था और ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, कि जब हम जो है आणविक द्रव्यमान को क्या करेंगे, ग्राम में लिखेंगे, मतलब AMU को क्या लिखेंगे, ग्राम में। तो जैसे यहां पर क्या है, ग्लूकोज का जो आणविक ग्राम, ग्लूकोज का ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 180 ग्राम। बस AMU को हटा देना, क्या लिखना है,
180 ग्राम, ये GMM ग्राम मोलिकुलर मास। तो इस तरीके से बच्चों आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से जो है परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ग्राम आणविक द्रव्यमान, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, ये सब देख लिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे मूल संकल्पना की, मूल कॉन्सेप्ट। तो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके जो भी दुख दर्द होंगे सब गायब हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम से। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा जो है क्या फैलाओ इस तरीके से बच्चों, ताकि मुझे भी क्या मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मैं अगर कर रहा हूं तो क्या बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।